जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। सबसे पहले मैं बता दूं, जिन्होंने फिजिकल चैलेंज जो एक्सेप्ट किया दोस्तों, उनमें से मैं टॉप थ्री को ये वाली टी शर्ट देने वाला था, लेकिन अब टॉप थ्री को नहीं देके मेरी तरफ से 10 को मिलेगी, 10 लोगों को मेरी तरफ से ये टी शर्ट मिलेगी पहली बार में, जिनको 5 से 6 दिन बाद में मैं टी शर्ट भेज दूँगा एड्रेस लेके। अब 6 से 7 दिन लगेंगे और फिर आपके घर पे 7 दिन में पहुँच जाएगी ये टी शर्ट। पहले मैं टॉप थ्री को देने वाला था, लेकिन अब टॉप 10 को दूंगा। उसमें मैंने 12 या 13 को लगाया है, उनमें से टॉप 10 को वो टी शर्ट मिल जाएगी दोस्तों। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो में। तो आज का ये वीडियो स्पेशली दोस्तों मैं बना रहा हूँ कि जो मेरी ट्रेनिंग, जो मेरा ज्वाइनिंग का पहला दिन था वो कैसा था, क्या क्या होता है पहले दिन, साथ में ट्रेनिंग के पहले दिन क्या क्या होता है, और ड्यूटी का जो पहला दिन होता है वो कैसा होता है और क्या क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे। साथ में अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप में अगर कोई भी योग्यता जरूरी नहीं फिजिकल, अगर और भी कोई भी योग्यता कोई अच्छा लिखता है तो वो भी मेरे को लिख के भेज सकता है, उसको भी मेरी तरफ से अच्छा से अच्छा शूज़, टी शर्ट या लोअर आर्मी का गिफ्ट में दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जब मेरा पहला दिन था ज्वाइनिंग का 21 मार्च 2017, वो मेरा ये मानी जीवन का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उस दिन पहली बार मैं मतलब फोर्स का मेंबर बन गया, CRPF का मेंबर बन गया। तो वो दिन वैसे तो नसीबों से मिलता है, जैसा कि जो भी तैयारी करने वाले हैं, जो लोग तैयारी फेलियर हो रहे हैं उनको भी पता है कि कितना मुश्किल से ये दिन मिलता है। तो वैसा ही मेरा था कि 21 मार्च की मेरी ज्वाइनिंग थी और मैं 20 मार्च के शाम को ही वहाँ पहुँच गया था जहाँ पर मेरी ज्वाइनिंग हुई थी दिल्ली। तो मैं 20 मार्च को ही पहुँच गया था, और ताकि किसी लेट ना हो जाऊँ। लेकिन दोस्तों आप ऐसा नहीं करना, अगर आप लेट हो जाते हो थोड़ा बहुत तो ज़्यादा घबराना वबराना नहीं है, थोड़ा बहुत चल जाता है, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस सेकंड में 20 तारीख को नाइट में पहुंच गया था। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं पूरी रात नहीं सोया था कि भाई कल सुबह कैब में जाना है पहली बार ज्वाइनिंग, मतलब एक्साइटेड से भी नहीं सोया था। वहाँ रूम था मेरे मिलने वालों का और मैं सोया नहीं हूँ बिल्कुल ही, पूरी रात में सोने को सोया लेकिन नींद नहीं आई। जैसे पहले दिन वहाँ पर गए, चारों तरफ देखा कि भाई ये फोर्स के मेंबर सब वर्दी पहन के घूम रहे हैं, कोई सिविल वो कॉम्बेट में, कोई सिविल में, कोई खाकी में घूम रहा, देख देख के इतना अच्छा लग रहा था कि हाँ अब हमको कब वर्दी मिलेगी, कब पहन ले वर्दी, कब वर्दी पहन ले, ऐसा मतलब एक्साइटेड था। फिर जैसे ही वहाँ से आई थिंक 1 घंटा या 1.5 घंटे बाद में हमको इकट्ठा कर लिया था, इकट्ठा करके फिर सभी का नाम वाम लिखा, कौन कहाँ से आया, जो ज्वाइनिंग लेटर था वो जमा किया। उसके बाद में बोला कि यहाँ आपको खाना खाना है, कैंप का जो निरीक्षण करवाया उन्होंने 1-2 दिन तक कि भाई कैंप में यहाँ ये है, यहाँ ये है, आपको अगर यहाँ का बोले यहाँ पर ये MT है, यहाँ पर मेन बेरिक है, यहाँ पर आपका बेरिक है, यहाँ पर मेस है खाना खाने का, यहाँ पर ऑफिस है, तो आपको जहाँ जहाँ बोले तब आपको ऐसे जाना था। एक दिन उस दिन पूरे दिन वही करवाया, थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम भी करवाया जो कि आप सभी को होने वाला है। लेकिन फिर 1-2 दिन तक घर की भी बहुत याद आती है, क्योंकि उस दिन अगर सोए थे रात में तो बहुत ज़्यादा याद आती है घर की, माँ बाप की, भाई बहन की, उनकी उनसे बिल्कुल अलग हो गए। लेकिन हाँ एक्साइटेड बहुत रहते हैं दूसरे लोगों से मिलने में कि कौन कहाँ से आया, कितने नंबर आए भाई तेरे, तेरे कितने नंबर आए, सभी चीज़ पूछने में कहाँ से आया, कौन से ज़िले से, उसके परिवार में क्या। धीरे 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 वहाँ से 1-2 दोस्त बन गए, और ऐसे ऐसे करके फिर 1-2 दिन बाद में डॉक्यूमेंट्स का काम शुरू हो गया। और जब पहली बार हमको वो मिली थी किट टी शर्ट, तो आप यकीन नहीं मानोगे, जब जिस समय उन्होंने किट दिया था 80% लड़कों ने उसी समय टी शर्ट पहन ली थी, जिस समय किट दे रहे थे उसी समय जैसे जिसको मिली वो वैसे ही पहन रहा था, तुरंत पिक लेके घर वालों को, तुरंत पिक लेके व्हाट्सअप स्टेटस, और तुरंत पिक लेके कहीं ना कहीं आपको मेरी भी बताऊंगा कि उस समय जैसे पहना था, पहनते सबसे पहले सेल्फी, पहनते पहली पिक, बस सबसे पहले पिक लेके भेजे, स्टेटस स्टेटस लगा दिए, फेसबुक पे भी लगा दिए कि हाँ वर्दी मिल गई है हमको। तो वैसा आपके साथ भी होने वाला है, वो संतुष्टि खुशी मिलने वाली है। अब इसके बाद बात, ये मेरा पहला दिन था ज्वाइनिंग का। इसके बाद में जब पहला दिन ट्रेनिंग का था वो तो कैसा था, तो जब हमको ग्रुप सेंटर से ट्रेनिंग सेंटर लेके जा रहे थे तो आप यकीन मानिए इतना ज़्यादा डर लग रहा था, मतलब इस प्रकार की बातें सुनी थी कि जो ट्रेनिंग में आपको जल्लाद मिलेंगे, कहा कि वहाँ ट्रेनिंग के जो बाथरूम होते हैं उसमें रस्से लटकाए हुए रहते हैं, बैठने उठने के लिए भी उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा नहीं तो उठ ही नहीं पाओगे, मतलब इतनी भयानक भयानक बातें सुन रखी थी कि वहाँ जल्लाद होते हैं, वो किसी का नहीं सोचते, ऐसे पिटाई होती है ऐसे ट्रेनिंग में, तो आप तुम देखना ग्रुप सेंटर में बार बार हमको ऐसे धमकाया जाता था कि ट्रेनिंग सेंटर में देखना तुम्हारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जब ट्रेनिंग सेंटर पहुँचे वहाँ पर जाके देखा, पहले जो उस्ताद को देखा ये मुझसे बड़ी बड़ी खतरनाक, देख के डर लग रहा था उससे,
और हरियाणा के थे, तो सच में ऐसा लगा कि हाँ गलत जगह फंस गए हम, तो ये तो ख़तरनाक ही आदमी है। फिर धीरे धीरे जब उनसे मिले तो फिर पता चला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रेनिंग का पहला दिन था हमारा, जब वहाँ पे भी कैंप निरीक्षण हुआ, उसके बाद में जो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई वो पहला दिन नॉर्मल रनिंग हुई थी, दो किलोमीटर के आसपास, और नॉर्मल फिजिकल एक्सरसाइज। धीरे 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 वहाँ पे बहुत अच्छे से टाइम गुजरा, लेकिन जो दिल में जो थी कि हाँ पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, बहुत ही मतलब ऐसा था। लेकिन वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट करके रखते हैं कि ऐसा करना मोटिवेट रखते हैं। और ट्रेनिंग शेड्यूल का जो पहला दिन में रनिंग, फिजिकल एक्सरसाइज, और सबसे पहले वर्दी पहनना सिखाते हैं कि वर्दी कैसे पहनते हैं, कौन सी वर्दी कैसे पहनते हैं, बटन ऊपर नीचे से ऊपर लगाते हैं, पहले जुराब पहनते हैं, फिर पैंट पहनते हैं, फिर क्या पहनते हैं, इस प्रकार से सिखाते हैं। सबसे पहले वर्दी पहनना, आपका जो पहला वीक रहता है उसमें आपको वर्दी पहनना ही सिखाया जाता है कि वर्दी को कैसे पहनते हैं सही तरीके से। तो उस दिन हमारा यही हुआ था। उसके दिन अगर बात करें उसके बाद में कि ड्यूटी का मेरा पहला दिन कैसा था, तो दोस्तों ड्यूटी का जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, हम पोस्टेड हुआ ड्यूटी के लिए कि भाई आपकी यहाँ पे ड्यूटी है, तो ड्यूटी के लिए भी मतलब एक्साइटेड था कि क्योंकि ट्रेनिंग में आपको पता है वो एक ट्रेनिंग थी, इधर ड्यूटी आके एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है आपकी जब ड्यूटी लगती है। पहली बार जब मैं ड्यूटी किया तो हथियार उत्यार जो ट्रेनिंग में आपको ज़्यादातर जो फायरिंग होती है तभी हथियार मिलता है, यहाँ पे ड्यूटी में आपको परमानेंट हथियार आपके पास में रखना पड़ता है। आपके पास में जब तक आपकी ड्यूटी रहेगी आपका हथियार रहेगा, हाँ घर ले जाने के लिए पास में नहीं रखना पड़ता उस समय जमा हो जाता, लेकिन हाँ आपकी लगातार अगर ड्यूटी रहती है तो आपके पास में हथियार रहता है। तो जब पहली बार ड्यूटी किया तो ऐसा फील हुआ कि हाँ अब ये वेपन है, जिम्मेदारी के रूप में फील हुआ कि अब इसकी जिम्मेदारी, क्योंकि अगर उसका कुछ भी हो गया ख़राब तो उसकी ज़िम्मेदारी आपकी है। अगर उसमें एक मतलब उसका एक बार भी भांका हुआ वेपन का कहीं से भी, तो उसके लिए आपको बहुत सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ड्यूटी पे जब पहली बार आया तो एक दो दिन बाद में हमारी ड्यूटी शुरू हो गई थी। जब ज्वाइन ये एंट्री होता पहले जिस बटालियन में आप जाते हो वहाँ पे हमारा एंट्री हुआ था, वहाँ पे कि भाई कौन कौन स्पेशल पार्टियों में जाना चाहता है, कौन कौन किस प्रकार से पूछा गया, कौन गेम खेलता है कौन नहीं खेलता। तो पहला दिन यहाँ पे कि भाई मैं ये गेम खेलता हूँ, ये गेम खेला, इनकी लिस्ट बना के यहाँ पे आपके फॉर्म भरे जाते हैं कि आप ये गेम खेलते हो, आप ये गेम खेलते हो, फिर आप कौन सा गेम खेलते हो उसके ऊपर कि अगर आप अच्छा कोई गेम खेलते हो तो आप उसमें नाम लिखा सकते हो, या अच्छी आप में अगर आपको कंप्यूटर आता है तो मतलब अगर आप मान लो कंप्यूटर आता है तो आप ऑफिस में काम कर सकते हो, राइटरी काम कर, आपको टेली आती है तो टेली का काम कर सकते हो, आपको अगर कोई काम आता है अच्छा तो आप वो काम के लिए यहाँ लिखा सकते हो कि मुझे कंप्यूटर अच्छा आता है या टेली अच्छी आती है या मेरे पास ये डिप्लोमा है, तो उससे संबंधित आपको काम दे दिया जाता है। तो वो आपसे यहाँ पहले ही दिन पूछ लिया जाता है जब सी ओ साहब का एंट्री होता है, उससे पहले बता दिया जाता है कि इसको इस लड़के को ये आता है। तो अगर तो मेरे से पूछते हैं कि सर हमने ये कोर्स किया, ये अकाउंटेंट किया, ये किया वो, तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स है, तो ये बेनिफिट्स है आपके लिए। तो दोस्तों ऐसा रहा मेरा एक्सपीरियंस पहले दिन का। जय हिंद, जय भारत।